आप लोग किस तरह पैसा कमा रहे हैं पब्लिक जानता है, हम लोग भी जानते हैं सर। ये वो पुलिस है जो आपके लिए तैनात है, ये वो पुलिस है जिसने आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, ये वही पुलिस है जो भीड़ बेकाबू होने पर डंडे बरसाती है, और ये वही पुलिस है जो सड़कों पर जब सन्नाटा पसरा हो तो भी अपनी ड्यूटी निभाती है। सड़क के नियम कानून थोपते हैं आप पर इसलिए ताकि आप सुरक्षित रहें। हेलमेट जूते तथा वाहन चलाते समय जो भी साधन जरूरी है उसे चालान के साधन के तौर पर ना देखकर इसे अपनी जिंदगी की अहमियत से जोड़े ताकि कल आपको किसी पुलिस अधिकारी के साथ इस तरह ना भिड़ना पड़े। जैसे ये शख्स भिड़ता हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया से पाई गई ये वीडियो साजिद खान ने बनाई है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दरअसल साजिद खान को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट और जूते नहीं पहनने पर रोका था और गाड़ी के दस्तावेज दिखाने की मांग की, पर इस पर साजिद ने दस्तावेजों को दिखाते हुए पुलिस के साथ जूते और हेलमेट को लेकर बहस शुरू कर दी, जो कि साजिद ने उस वक्त नहीं पहन रखा था। करते नहीं है, मैं खुद एक एनजीओ का प्रेसिडेंट, दिस इज द वे हाउ पुलिस इज डीलिंग विद इट। देखिए ऑफिसर, ये कानून जाड़ रहे हैं हमको, टीचिंग अस अ लॉ, और जो गलत करता है उनके साथ मिलके सुबह से लेकर शाम तक करप्शन हो रहा है, चोरी हो रहा है, देयर इज नथिंग टू लुक आफ्टर देम। सिर्फ कॉमन लोग कैसे घर से निकल रहे, घर से 150 मीटर का दूरी पे, ये हमारा मेन रास्ता है, ये हमारा मेन रास्ता है, एंड दिस इज द पुलिस हाउ डीलिंग विद अस। देखिए सारा डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं, क्या सर तुम बंद करेगा? नहीं बंद होगा, ये मेरा लाइव है ना, 7000 फॉलोअर्स देखिएगा सर, 20000 फॉलोअर है अब देखा तो तुम ठीक है, उनका एनजीओ का ये है, हम पे गलत क्या, हम क्रिमिनल है सर, हम घर से निकले 150 का है, हम देख, हम यूथ मैन फॉर ह्यूमैनिटी का प्रेसिडेंट, तू कहां का लॉ का स्टूडेंट है समझे, हम लोग को भी पता, हम लोग जाहिल नहीं है सर, अरे घर से निकले सर, यहाँ पर मेरा दोस्त की मम्मी को लेकर जा रहा था डॉक्टर के यहाँ, उसको सिर्फ पेपर दिए हैं, आप चेकिंग लगा दिए, पहले बंद करो, क्यों बंद करे सर, आप लोग गलत कर रहे हैं, घर से निकलेंगे सर पेपर लेके जूता पहन के, घर से निकलेंगे सर पेपर लेके जूता पहन के, बोलिए घर से 150 मीटर का डिस्टेंस में मेरा घर है, आप बोलते जूता पहनो, चप्पल पहनो, चश्मा पहनो, आप बोले हेलमेट पहनो, हेलमेट नहीं पहना है सर, घर से 150 मीटर का दूर पे है सर, ये बात प्रूव हो गया, आप जितना भी फॉलोअर है आपका बढ़ाएंगे फॉलोअर, आपको 70000 फॉलोअर होगा और बहुत पैसा आपको मिलेगा इसमें सर, पैसा पे पैसा आप लोग करते हैं सर, ये सब काम, ये नाका क्यों है, ये नाका क्यों है, फॉलोअर क्यों बताए आप घर से 7000 फॉलोअर, ये हम बोले ही नहीं है, हम इतना फेमस है, 7000 फॉलोअर है आप बोला है, ये आप झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को भगा के आप हटा रहे हैं, आप कुछ भी बोले ठीक है, मान लिए हम, मान लिए सर, हम मान लिए, मान लिए क्या, हम मान लिए सर, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपका जो फाइन होता है फाइन काटिए, आपके पास कोई पेपर नहीं तो फाइन कैसे काटेंगे, तो आप मतलब मेरा गाड़ी लेके कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, अगर मेरे पास 2 मिनट के लिए मेरा पेपर घर में है या मेरे भाई के नाम पे गाड़ी है 2 मिनट के लिए, तो क्या कीजिएगा, घर में भेज देंगे वो, तो हम अभी क्या करें, अभी यही रुके या गाड़ी छोड़ दें, आप जाइए आपको हम घर में भेज देंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स जो फेल है उसके ऊपर हम, हाँ ठीक है चलिए, आपको बहुत फॉलोअर मिलेंगे, 70000 सर, आप झूठ बोल रहे हैं, अगेन आप झूठ बोल रहे हैं, 70000 फॉलोअर मिलेंगे सर, आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप लोग घर से निकलेंगे, आपका कह रहे जूता पहन के निकलेंगे सर, घर से भी नहीं 100 मीटर भी निकलेंगे जूता पहन के, 100 मीटर निकलने में जूता पहन के निकलो, क्योंकि वो रूल्स है गाड़ी चलाने का सर, रूल्स मोटर व्हीकल्स का रूल्स है, वो मोटर व्हीकल्स मान रहे हैं सर, हेलमेट पहन के, जूता पहन के, फुल शर्ट और फुल ये पहन के, हम फाइन देने के लिए तैयार है सर, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा इसीलिए तुमको सेफ्टी के लिए तुम्हारा इधर है, हम तुम ये नहीं मानना चाहते क्यों ना, हम जूता पहन के हम ये माने सर कि आप गलत बोल रहे, नहीं गलत नहीं, तुम बोल रहे हैं सर, हम बोले कि आप गलत बोले सर, 100 मीटर के अंदर हम क्यों जूता पहन के निकले सर, हम बोले कि हेलमेट पहन के क्यों सर, आप बोले देखिए हम घर से निकले, हम सर को सिंपली बोले कि हम घर के नजदीक सर नहीं पहने, आप जो होता फाइन कीजिए, हम दोस्त की मम्मी का कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया था घर में, वो डॉक्टर के यहाँ जा रहा था, तो हम उसको देने आए यहीं पर, उतना में लोग चेकिंग लगा दिए, 10-15 मिनट बात हुआ, बोलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यूपी में रह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी है, इस तरह डील करता है हमारा पुलिस हम लोग के साथ, गाड़ी आपका प्रूफ करिए, हम प्रूफ करेंगे, आप चलिए मेरे साथ मेरे घर पे, अरे सर चोर नहीं है सर, करप्ट नहीं है, जो आप प्रूफ कीजिएगा, तो ये गाड़ी मेरा है 8693 एंड 100% ये गाड़ी मेरा है, साजिद आरफिन खान, अरे सर मेरा गाड़ी, हम दावा कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं, हम इलीगल है सर, दिखाएंगे तो चलिए मेरे घर, हम पैदल जाए सर, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, घर से पैसा निकलेंगे, पर्स लेके, जूता पहन के, हेलमेट पहन के, स्वेट शर्ट पहन के, दिस इज द रूल, सारा रूल्स कॉमन लोग के लिए है, और जो गलत है उसको आप लोग प्रवोक करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा,
हर सारा रूल हम लोग के लिए, घर से 150 मीटर आदमी सब्जी लाने जा रहे हैं, तो महंगाई इतना सर, आप लोग फ्रस्ट्रेट कर दिए हैं। एक इससे पहले भी पकड़ा, चलिए मैं गलत था, मैं दिया, आपको जाना पड़ेगा क्या? आप तो चलिए मेरे साथ, मैं पे करूंगा, ये भी तो आपका ड्यूटी है, समझे? देखिए चेकिंग नहीं है, देखिए हेलमेट है, ये मेरा ड्यूटी नहीं है, देख रहे हैं कि हेलमेट नहीं है, ये पुलिस है, संविधान सबके लिए नहीं है, तो ठीक है, ये देखिए आप, देखिए हेलमेट नहीं पहना है, घर चप्पल पहन के सर, घर से पहनेंगे हेलमेट पहन के, 150 मीटर में घर है, रोड में बाइक लेंगे निकालने के बाद आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, तो फाइन मार दीजिए ना, नहीं फाइन आपको लिखिए, तो चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ चलिए, आप सारा पेपर दिखाएंगे सर, आप यहाँ से पैसा लेके नहीं आए, टोटो हमको फ्री में छोड़ेगा, आपको घर में जाएंगे, ऑनलाइन में फाइन कर देगा, आपको घर में जाएंगे, चलिए सर, क्रिमिनल नहीं है, डरेंगे नहीं, क्रिमिनल नहीं है सर, जो डरेंगे, आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा तो घर में जाएंगे, आपका पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फेल है आपका, ठीक है, मान लें पॉल्यूशन नहीं पहना है सर, चप्पल पहन के बुलेट चला रहा है सर, 100 मीटर 150 मीटर में, 200 मीटर का बात नहीं है, घर से निकलेंगे जूता पहन के, 10 मीटर में एक्सीडेंट होता है, 5 मिनट के लिए हमको काम, 10 मीटर के लिए एक्सीडेंट होता है विदाउट हेलमेट पहनने के लिए, ठीक है, अरे सर हम लिए, हम लोग हमारा लिए ही बोला जा रहा है, मेरे लिए बोला जा रहा है, हम समझ रहे हैं, इतना एक्सीडेंट होता है, 2 दिन पहले इधर 2 आदमी का सर, गलत तो बहुत कुछ हो रहा है, विदाउट हेलमेट के लिए गलत, तुमको देखना नहीं है, क्यों नहीं देखेंगे, हम पे कर रहे हैं पैसा, आपको कहाँ से आ रहा है, गलत देखने के लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल इंडियन हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल इंडियन, आप कोई पद में जाइए, आप कोई नौकरी लेके जॉब कर रहे हैं सर, तो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है, आप जो बोल रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी तो लॉ का ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, मैं एजुकेटेड लड़का हूँ, जाहिल नहीं हूँ सर, जो करप्ट है उसको देखिए, ये हेलमेट नहीं दिखाई दे रहा आपको, आप बोलिए मेरा ड्यूटी नहीं है, जाहिल नहीं करता है क्या, एजुकेटेड होकर बोल के कोई जाहिर नहीं, आप जबरदस्ती कोई जाहिर नहीं करता है, आप ये क्या कर रहे हो, ऑफिसर है तो आप गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या गलत कर रहे हैं, ये क्या बोले, 7 गाड़ी चोरी हुआ, हम चोरी किए, तो चोरी क्या पकड़ी आप, तुम बोला नाका चेकिंग किस लिए हो रहा है, इतना 100 मीटर के जाहिर में क्यों हो रहा है, इसीलिए हम बोला सर, तो हमारा मतलब मेरे हुसैन नगर से ये लड़का चोरी किया है, पुलिस के मुताबिक गाड़ी का पॉल्यूशन भी फेल था, इस पर भी पुलिस ने नरमी दिखाते हुए हेलमेट और जूते की अहमियत समझाई। साजिद को आपत्ति हुई कि इस क्षेत्र में नाका चेकिंग क्यों चल रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही बंडपुर के आजाद नगर से हथियारों के कारखाने के खुलासे के बाद पुलिस इस क्षेत्र में सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इससे पहले कुल्टी में भी एक अपराधी के बैग से कुछ हथियार बरामद किए गए थे और बाद में कुल्टी और न्यामतपुर इलाके से भी हथियारों के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ था। आए दिन हमें खबरों के जरिए इस तरह की असामाजिक चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ता है। ऐसे में पुलिस की सतर्कता कभी कभी आम लोगों के लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न करती है, लेकिन जब सवाल जनता की सुरक्षा का हो तो इस तरह की स्थिति का सामना करना भी नागरिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वीडियो में साजिद ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वो अपने घर से 100 से 150 मीटर की दूरी पर है और पुलिस ने उसे रोक दिया, पर सूत्रों के अनुसार साजिद का घर बंडपुर के धरपुर क्षेत्र में है और वाहन जांच उनके घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हो रही थी। इन सभी बातों पर जब हमने साजिद से बात की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, आइए सुनते हैं। कौन? साजिद बोल रहे हैं जी। साजिद, हीरापुर थाना के किसी ऑफिसर के साथ किसी तरह की बहस हुई थी इधर बीच? आज ही हुआ था मैम। आप ही के साथ हुई थी? अच्छा, प्रॉब्लम ये था ना, मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है ना, तो मेरा एक दोस्त कहाँ पर है? धर्मपुर, वार्ड नंबर 98। अच्छा, और ये तो आपको रोका कहाँ गया था? मेरे घर से मैम 200-250 मीटर के दूर पे। तो मैं जाके चेकिंग कहाँ चल रही थी? ये टनल गेट पे मैम। टनल गेट के पास में चेकिंग चल रही थी? टनल गेट के पास, यस मैम। धर्मपुर से टनल गेट की दूरी लगभग 150-200 किलोमीटर? हाँ, 2-2.5 किलोमीटर। मेरे घर से मैम एग्जैक्टली आई डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट दैट मैम, एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग दिन भर ट्रैवल करते हैं। आपने कि मैं आप ही की बात रख रही हूँ आपके सामने, कि आपने कहा है इसमें 100-150 मीटर के दूरी पर है आपका घर? हाँ, 200 होगा सही मैम, एग्जैक्टली हम नहीं बता। 2-2.5 किलो, अभी आपने 2-2.5 किलोमीटर की बात कही। अच्छा चलिए, जो भी है तो बात ये है कि पुलिस तो हमेशा ही अवेयर करती है हमें ट्रैफिक रूल्स के लेकर के, तो जी मैम जी, यहाँ पर अगर आप ये बहस जो हो रही थी पुलिस के साथ जी, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, मतलब ये सही हुआ या फिर गलत हुआ? नहीं, ये गलत हुआ, हम उस टाइम बोले, मैं सर को, मैं बोला, मैं एग्जैक्टली सर के पास गया, मैं सर को बोला सर
एक पेपर सर ठीक है, मैं गलत किया, एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। वीडियो में कुछ ऐसा कहा है कि पुलिस ये करप्शन वगैरह का लेकर के कि करप्शन करती है, ऐसा कुछ आपने? हाँ, हम बोले कि मैम जो करप्ट लोग हैं वो लोग पार हो जा रहे हैं और हम लोग का आप लोग कर रहे हैं। आपने एक लाइन ये भी कहा है कि ये वही पुलिस है जो करप्शन करती है और आम लोगों को परेशान करती है। करप्शन का जो आपने उन पर जो बोल दिया है, आपने इल्जाम लगा दिया है, तो ये एक बड़ी बात है। इसे बिना किसी बेस के, इसे बिना किसी प्रूफ के आपने जो कहा है वहाँ पर, यही सब दो तीन वर्ड जो हम बोले थे, इसी तो वीडियो हटाए हैं। मैम करप्शन का मैं डायरेक्टली मैंने यही बोला कि आप लोग करप्शन कर रहे हैं। हम बोले बाहर जो लोग चोरी करते हैं वो लोग निकल जा रहे हैं, गलत जो करप्ट लोग हैं वो लोग फ्रीली घूम रहे हैं। मैंने ये बोला, ये नहीं बोला कि आप लोग करप्शन करते हैं। स्टेटमेंट में डिफरेंस है मैम। जिस तरह मैं बोला ना कि सर मैं भी लॉ जानता हूँ, लॉ जानता हूँ और लॉयर में फर्क होता है ना मैम। राजीव जी, उसमें साफ सुना जा रहा है ना कि आप बोल रहे हो कि पुलिस जो करप्शन, पुलिस आप करप्शन करते हैं, आप उनके सामने इस तरह की बात बोल रहे हैं कि आप करप्शन करते हैं और आप लोगों को परेशान करते हैं। तो चीजें ये दो चीजें भी तो अलग हो रही हैं कि करप्शन तो लोगों को छोड़ दी जाती है, लेकिन आप वहां पर डायरेक्ट बोल रहे हो कि करप्शन करती हैं। हाँ, ये चीज है, ये बेसलेस है मैम। हॉट टॉक्स में ये चीज मैंने बोल दिया। चलिए ठीक है, उसके लेके मैंने सॉरी भी बोला। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं वीडियो बंद किया, उसके बाद सॉरी बोला, उनके सामने मैंने जाके वीडियो हटाया। मैं बोला सर हॉट टॉक्स में बहुत सारा बात निकल गया है, बट सर आप बताइए मेरा गलती क्या है। हम अपील करेंगे साजिद खान जैसे नौजवानों से, जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए तैनात और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है, उनका सम्मान करें। गलत के लिए आवाज जरूर उठाएं, लेकिन आपका तरीका सही हो। हम सल्यूट करते हैं उस पुलिस अधिकारी को भी जिन्होंने साजिद के भविष्य की चिंता करते हुए उस पर किसी तरह की कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, देन वेलकम टू द पेपरी। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी एट होम। दी पेपरी, ग्राउंड फ्लोर ऑफ सेंट्रल मॉल, ऑपोजिट बिग बाजार, आसनसोल।